This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। अब आएंगे पतंजलि डायपर और सैनिटरी नैपकिन्स। 16,000 करोड़ का होगा इन्वेस्ट। योग गुरु बाबा रामदेव की आयुर्वेद कंपनी पतंजलि ने खाने के आइटम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मामले में काफी ग्रोथ की है। इसी के तहत आज पतंजलि ने घोषणा की है कि वो जल्दी मार्केट में बेबी डायपर और सैनिटरी नैपकिन्स भी लाएंगे। फिलहाल पतंजलि के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फूड आइटम्स आदि ने मार्केट में कई विदेशी कंपनियों को पछाड़ दिया। इस नाम से आएंगे डायपर। पतंजलि के स्पोक पर्सन के एस के ताजोवाला ने मीडिया को एक बताया कि पतंजलि अगले वित्तीय साल यानी 2018-19 में डायपर और सैनिटरी नैपकिन्स लाएंगे। उन्होंने कहा कि वो इसमें 16,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। एस के तुराजावाला ने बताया कि अभी सैनिटरी नैपकिन्स की ग्रोथ में ज़्यादा है, जो कि 150% से बढ़ रही है। आगे बताया कि बच्चों के डायपर पतंजलि शिशु केयर के नाम से मार्केट में आएगा। 50% तक इस कंपनी का मार्केट पर कब्जा। जानकारी के मुताबिक इंडिया के डायपर मार्केट पर 50% तक पीएनजी कंपनी के बेबी डायपर्स का कब्जा है। सैनिटरी नैपकिन्स का भारत में केवल 20% मार्केट है, जबकि डिस्पोजेबल डायपर पर 2% से भी कम है। उनके मुताबिक विदेशी कंपनियों से भी कम रेट पर अच्छी और स्वदेशी डायपर नैपकिन उपलब्ध कराएंगे, जिससे ज़रूरत वाले लोग आसानी से ले सकें। साथ ही साथ वो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने के लिए भी अवेयर करने की मुहिम चलाएंगे। ऐसे मिली थी बाबा रामदेव को पहचान। बाबा रामदेव हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में अली सैयदपुर गांव के ताल्लुक़ रखते हैं और उनका बचपन हरियाणा के ज़िले महेंद्रगढ़ की अलीपुर गांव में बीता। जब वो यहाँ 10 साल के थे तो उनका अपना मन अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेलकूद में कम ही लगता था। वो गांव के लोगों से योग शिविरों में दिलचस्पी लेते थे और योग शिविरों में उनकी उम्र के बच्चे कम आते थे, इसलिए उनकी दोस्ती अपने से अपनी बड़ी उम्र के लोगों से होने लगी। योग के प्रति लगाव के कारण एक दिन उन्होंने घर छोड़कर ऋषिकेश जाने की ठान ली। बाबा रामदेव तब घर घर में नाम बनाए। जब टीवी चैनल्स और कैंप के जरिए लोगों को योग टिप्स देना शुरू किया, इसके बाद उन्होंने स्वस्थ बनने के मकसद से दवाई घरेलू प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू किए। धन्यवाद।